नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के जनपद बुलंदशहर में मंदिरों से देवी देवताओं के छत्र, मुकुट, गहने और घंटे चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के 3 बदमाशों से मंदिर में चोरी के 5 वारदातों का खुलासा किया है। बदमाशों ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद, गुलाठी और मेरठ के मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों के द्वारा चोरी किए गए छत्र, मुकुट, त्रिशूल, बांसुरी, तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिरफ्तार इमरान और सरखान पर 7-7 और जावेद पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर के थाना गुलाठी पुलिस ने मिठेपुर बाईपास तिराहे पर 3 बदमाशों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस की वार्ता के दौरान पता चला कि पहले भी आरोपी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और पिछले कई महीनों से लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पूरे मामले में SSP बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह का कहना है कि मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पेशे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। क्या इनका प्रोफाइल है और क्या इनसे बरामदगी हुई है? देखिए, गुलाउटी थाना पुलिस और उनके साथियों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा गैंग वर्कआउट किया गया है, जो पूरे मेरठ रेंज में घूम करके मंदिरों में चोरी का काम कर रहा था। और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में इनके द्वारा कई मंदिरों में चोरियाँ की गई। इसमें 3 अभियुक्त हैं। एक जावेद है जो मसूरी गाजियाबाद का रहने वाला है, दूसरा शेर खान है जो हरिद्वार का है, तीसरा इमरान है जो हापुड़ जनपद का रहने वाला है। और हमारे जनपद में 15/16 की रात में सितंबर महीने में सिकंदराबाद में एक जैन मंदिर में चोरी छत काट कर फिर इन्होंने की थी और छत्र मुकुट आज वहाँ से उठाकर ले गए। इसके बाद फिर परतापुर जैन मंदिर है, वहाँ पे 18 अगस्त को इस टीम के द्वारा चोरी की घटना की गई थी। 23/24 सितंबर की रात में गुलावटी थाने के पंचायती मंदिर में इनके द्वारा चोरी की गई। छत्र मुकुट आदि जितने भी मूल्यवान सामान वहाँ थे वो चुरा करके ले जाए गए थे। फिर अक्टूबर महीने में इन्होंने मुरादनगर गाजियाबाद में एक जैन मंदिर में चोरी की घटना की थी। तो कुल मिला के इस गैंग शुद्ध रूप से मंदिरों को टारगेट करता था, विशेष रूप से जैन मंदिरों। इस गैंग को पकड़ने के बाद इनके कब्जे से भारी मात्रा में मंदिरों से चोरी गए सामान बरामद किए गए हैं, जो आपके सामने हैं। इनका मूल्य लगभग 5 लाख से अधिक रुपए का है। साथ ही साथ, चूंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा मामला था और मंदिर में चोरी की घटना को लेकर के लोगों में एक आक्रोश भी था, तो इस तरह से हम उस आक्रोश को ख़त्म करने और रियल गैंग को वर्कआउट करने में सफल रहे हैं। जहाँ तक इनके आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, जावेद के विरुद्ध 12 मुकदमे हैं, शेर खान और इमरान के खिलाफ 7-7 मुकदमे दर्ज हैं। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस आदि भी बरामद किया गया है। टीम को कोई इनाम की घोषणा? इस टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है सर।